तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत फेमस मूर्तिकार है जो कि चिंचपोकली में उनका कारखाना है, बहुत ही फेमस मूर्तिकार है। तो फेमस मूर्तिकार कौन है अरुण बताएगा? राजन झाड़ जी। हाँ, तो राजन झाड़ बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार है, बहुत दूर दूर तक इनकी मूर्तियाँ जाती है और बहुत अच्छा भी मतलब बनावट है ऐसा। यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं और वीडियो में बने रहिए, अजय भाई को फुल सपोर्ट करिए। तो मतलब जो उनकी मूर्ति है ना बहुत दूर दूर जाती है और बाहर गाँव में भी जाती है। हाँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहो, आपको पूरा पिछली बार इधर से कोल्हापुर से सम्राट ये सब निकला था प्रॉपर इधर से इनकी मूर्तियाँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, लोग यहाँ से हम अंदर एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे। तो सामने आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कारखाना का आपको दिख रहा है प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे पहुँच चुके हैं इनके वर्कशॉप में राजन झाड़ के वहाँ पे। तो अभी अंदर का जो भी मतलब काम चालू है मूर्ति का वो सब आपको दिखाएंगे, मतलब कितना काम चालू है। अगर सर से इंटरव्यू का लेने का मौका मिला तो वो भी ले लेंगे हम लोग। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहो। पे आप लोग देख सकते हो ये जो मूर्ति है ना कम से कम 20 फुट की है यहाँ पे। और भाई देखो यहाँ पे काम चालू है, ये भी साँचा वगैरह डाई है यहाँ का। तो भाई कैसे और मजे में? कितना दिन से काम चालू है? अच्छा, डेढ़ महीने से। और अभी ये चलते रहेगा महीना भर? अच्छा अच्छा। और बाकी लोग किधर है सब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आगे के अभी हम लोग वीडियो बनाते हैं। मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे कम से कम 20 मूर्तियाँ यहाँ पे, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है। तो ये जो दूसरा कारखाना है इसके पीछे साइड में, तो पीछे हम लोग जाके देखेंगे अंदर मतलब कितनी सारी मूर्तियाँ बन चुकी है। शायद एक मूर्ति यहाँ से आगमन भी होने वाला है कुछ दिन में, एक जो दो चार दिन में मतलब आगमन हो जाएगा। साल है ना, मतलब मूर्ति की हाइट बहुत बढ़ चुकी है यहाँ पे कारखाने में। तो इसके पहले जब ये आए थे तो हम लोग यहाँ पे इतनी हाइट नहीं थी, अभी बहुत हाइट बढ़ चुकी है। ये विक्रोली का गणराज है, तो ये विक्रोली जाएगी गणपति यहाँ के। और ये सामने कहाँ का है तो पता नहीं, उसका कुछ एड्रेस वगैरह तो मालूम नहीं है, पार्ट पे लिखा हुआ नहीं है। आप लोग देखो कितनी हाइट है मूर्ति की यहाँ पे, 20 से 25 फुट की मूर्तियाँ यहाँ पे। तो अरुण क्या बोल रहा है भाई? और बस बाकी शॉट ले रहा हूँ। हाँ। और बहुत मजा आ रहा है। हाँ। कम से कम 20 मूर्तियाँ यहाँ प्रॉपर रेडी हो चुकी हैं। हाँ, हाँ, और इनके इधर बहुत मूर्तियाँ और भी, इस बार बहुत हाइट है ये अपना। हाँ। बिक्रोली चा गणराज है। हाँ, तो सेम लग रहा है पिछले जैसा, मगर थोड़ा हट के लग रहा है इस बार। बहुत ज्यादा हाइट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइट हो गया, बहुत हाइट है। और इनका पाद्य पूजन भी आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ, हाँ। तो पाद्य पूजन जब भी आएगा तो मिलते हैं वहाँ सब लोग, भाई लोग सब लोग मिलके। और इंतजार कर रहे हैं बस वही गणेश उत्सव कब आने वाला है। का एक बहुत बड़ा खासियत होता है कि हर एक मूर्ति जो है ना एकदम हाइटेड और एकदम हट्टी कट्टी, मतलब एकदम तगड़ी मूर्ति होती है। जो मतलब एक बार जब आगमन होता है ना तो बहुत ही धूमधाम से आगमन होता है और लोगों का नज़ारा भी देखने का बहुत अलग ही होता है। मतलब ये मूर्ति का एकदम हटके मूर्ति रहती है राजन झाड़ की। तो मूर्ति आप देख सकते हो, मतलब मूर्ति का अभी जो काम पूरा हुआ नहीं है, फिनिशिंग का काम बाकी है और अभी सब सूखने के लिए रखा है यहाँ पर मूर्ति को। तो सूखने के लिए भी टाइम लग जाता है, अभी बारिश का टाइम है ना, तो बारिश में सूखने के लिए टाइम लगता है। तो ये देखो आप लोग हेलोजन वगैरह लगा है सूखने के लिए यहाँ पे। तो मूर्ति अभी सब सूख रही है, सूखने के बाद पूरा काम का जो भी है पेंडिंग काम वो पूरा होएगा फिनिशिंग का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है। तो ये सब अभी जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको, ये सब अभी गिल्ला है मूर्ति, तो सूखने के लिए भी टाइम लगेगा। ये सब मूर्ति भी शायद बड़ी मूर्ति के साथ ही जाने वाले, जो पैर पड़ने के लिए रखते हैं ना सामने, वही सब मूर्ति है यहाँ पे। सब तो ये यहाँ पे गोडाउन है, ये गोडाउन में मूर्ति वूर्ति रखी है। यहाँ पे काथा भी रखा है, आप लोग देख रहे हो डाई वाई सब रखा है। ये सब काथा आप लोग देख सकते हो पीछे यहाँ पे, ये कपाट विपाट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ के जो वर्कर होते हैं ना यहीं पर खाना वगैरह बनाते हैं। तो पानी का टाकी यहाँ पे देखो आप लोग, तो ये सब यहाँ पे खाना पीना यहीं पर सब बनता है इनका। दूसरे वर्कशॉप में जा रहे हैं, इसके बाजू साइड में ही है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे देखेंगे वहाँ का अभी कितना काम चालू हुआ है, क्या हुआ नहीं है। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहो, तो अंदर का हम लोग पूरा नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे जा रहे हैं अंदर, तो अंदर अभी यहाँ पे पिछली बार हम लोग आए थे तो यहाँ पर पर्दा वर्दा लगा नहीं था, अभी पर्दे वगैरह लग गए तो अंदर मूर्ति भी काम चालू हो चुका है मूर्ति का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो अभी काम बहुत जोरों में चालू है, पूरा डाई भी पूरा मतलब यहाँ पे जो डाई में सब मतलब भर के वो रखा है जो भी पीयूपी काथा वगैरह, तो पूरा काम यहाँ पे सूखने के लिए मतलब रखा है। आप लोग देख सकते हो हेलोजन है, पूरा सूखने के लिए यहाँ पे मतलब पूरा सूखने के बाद यहाँ से इन लोग जो डाई से पूरा निकाल के पूरा जॉइंट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये भी एक मूर्ति है यहाँ पे, मतलब ये जो पूरी रेडी हो चुकी है यहाँ पे।
तो ये भी इसका कलर का काम भी चालू हो जाएगा कुछ दिन में। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग काम चालू है यहाँ पे। तो भाई कितना दिन से चालू है काम? हाँ भाई नहीं तो भाई बोलने के लिए शर्मा रहा है भाई, ये बोलेगा नहीं लोग। ये देख सकते हो काथा का जो मतलब ये मेन जो मूर्ति बनाने में काथा का यूज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब इससे क्या होता है, मजबूती बढ़ जाती है गणपति की। मतलब जो भी मतलब खड़ा करना रहता है हाइट 20-22 फुट की जो मूर्ति रहती है, मतलब हर एक मूर्ति को ये काथे का काम लग ही जाता है। तो पिछले साल भी हम लोग को ये मिला था बंदा। और भाई कैसा है, मज़े में ना? और काम भी जोरों में? अच्छा, तो ये मशीन नहीं है क्या इसका अलग करने का? मशीन परेल में हम लोग ने देखा था, यहाँ तो नहीं है। तो ये जो मैनुअली करना पड़ रहा है अभी हाथ से। और बाकी सब मजे में ना? सामने से यहाँ से पप्पा की मूर्ति का आगमन होता है। तो ये देखो छोटा कितना रास्ता है, और यहाँ से 20-25 फुट की मूर्ति निकलने वाली। मुझे तो लगा निकल नहीं पाएगी, लेकिन हाइट में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से निकल जाएगी आराम से। अभी हम लोग ने वीडियो पूरा मतलब एंडिंग कर ही दिया है। तो सबसे पहला आगमन है यहाँ से कितने तारीख को है? 4 तारीख को। इसके बाद एक 11 तारीख को है। तो लाइन से ही आगमन है। हाँ, यहाँ पे मतलब आपको बता दूँ कि राजा जो तेजू का यहाँ पे बनती है। और एक मूर्ति जो बनने वाली है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी मूर्ति बनने वाली है। जैसे कि आपको बता दूँ कि मतलब जब टीम इंडिया जीती है 2024 का वर्ल्ड कप, उसकी भी एक मूर्ति यहाँ पे बनने वाली है। वर्ल्ड कप के ऊपर मतलब पप्पा बैठे रहते हैं। हाँ, और कैसा लगा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना हमसे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग ऐसी वीडियो के लिए। नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले वीडियो। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। सपोर्ट करो अजय भाई को फुल। और भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत कम आ रहा है हम लोग का। तो ध्यान दीजिए पब्लिक, थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो भाई लोग। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।